सभी प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से शुभकामनाएं तथा साथ ही साथ ये जो त्यौहार या जो ये आयोजन है वो पूरी सरलता से और शालीन तरीके से मनाया जाए इसके लिए मुख्यालय से विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए ये बताया गया है कि कहीं भी उड़दंग ना होने पाए, विशेषकर ऐसे जगहें जहां पे भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है जैसे कि महत्वपूर्ण चौराहे, मॉल्स, घाट, पिकनिक स्पॉट्स, इन सभी जगहों पे पर्याप्त संख्या में सादे तथा पुलिस वर्दी में लोग नियुक्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जगह जगह ब्रेथ एनालाइजर लगा के ड्रिंक एंड ड्राइविंग की भी चेकिंग कराई जाए, साथ ही साथ महिलाओं एवं बच्चियों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो इसको भी सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके लिए हमारी 112 की जो गाड़ियां हैं, फोर व्हीलर तथा टू व्हीलर, वो भी लगातार गश्त करेंगी ऐसे स्पॉट्स पर जहां की पहले इस तरह की कोई घटना हुई है। साथ ही साथ सीनियर ऑफिसर लगातार भ्रमणशील रहेंगे कल शाम से ही, ताकि किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके। 1 तारीख को सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर भी भीड़ भाड़ देखी जाती है, इसलिए वहां भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में सभी महत्वपूर्ण संस्थानों के सिक्योरिटी को बढ़ाने के निर्देश मुख्यालय स्तर पे से दिए गए हैं। सभी प्रदेशवासियों से ये अपील है कि पुलिस द्वारा दिए गए ट्रैफिक के जो एडवाइजरी हैं, जो ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान इत्यादि है, उसका अनुपालन करें। पुलिस के द्वारा अल्टरनेट पार्किंग व्यवस्था भी कराई जाएगी और जहां पर गाड़ियों का आना जाना रोका गया है वहां पे इस चीज का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। यह भी देखा जाता है कि कुछ जगहों पे स्टंटबाजी की घटनाएं होती हैं, तो ऐसे जगह आइडेंटिफाई करके वहां जिगजैग और बैरियर लगा के चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि स्टंट की आड़ में जो अमूल्य युवा वर्ग की कोई जनहानि न हो, किसी की कोई दुर्घटना न हो और दुर्घटना में कोई पारिवारिक शोक न हो। मुझे सबसे अपेक्षा यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें और नए साल का स्वागत बहुत ही सौम्य और सभ्य तरीके से कराया जाए। धन्यवाद। जनपद प्रयागराज के समस्त वासियों को आगामी नववर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज में नववर्ष के जो सेलिब्रेशंस हैं, उत्सव है, वो सकुशल और सुरक्षित रूप से मन सके इसके लिए हर जगह पे पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। आप सभी लोगों से अपील है कि अपना नया साल बहुत अच्छे ढंग से मनाएं और ऐसे कार्य ना कोई हों जिसकी वजह से पुलिस इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़े। सभी से अपील है कि ड्रंकन ड्राइविंग ना करें, रोड रेज में ना हों, या जो नवयुवक हैं वो बाइक पे स्टंट ना करें, जो लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो टाइम लिमिट और वॉल्यूम लेवल्स का ध्यान रखें। कोई भी आचरण या कोई भी कार्य ऐसा हम ना करें कि हमारे नए साल का सेलिब्रेशन किसी अन्य के लिए असुविधा का कारण बने, किसी अन्य के लिए दुख का कारण बने। पुनः आप सभी लोगों को आगामी नववर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 31st की इवनिंग के लिए काफ़ी जगहों पे यहाँ सिविल लाइन है और भी मेजर एरियाज में सेलिब्रेशंस की परमिशन ली गई है। वहाँ पर सभी को निर्देशित किया गया है, साथ में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जितने भी मेजर चौराहे हैं, तिराहे हैं, वहाँ पर फोर्स डिप्लॉय की गई है, बैरियर्स लगाए गए हैं और ये इंश्योर किया जाएगा कि किसी तरह की ओवर स्पीडिंग ना हो और ड्रंक ड्राइविंग ना हो। और सभी जगह शाम के समय फुट पेट्रोलिंग की जाएगी, पीआरबी और जो मोबाइल हमारी पेट्रोलिंग है उसके द्वारा
सारा एरिया कवर किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है और जितने भी भीड़ भाड़ वाले मार्केट वाली जगह हैं वहाँ पर लगातार गश्त जारी रहेगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि 31st के सेलिब्रेशन में किसी तरह की कोई घटना ना हो। कितने बजे तक होटल रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, क्या गाइडलाइंस दी गई हैं सर, क्या है सर? ये अभी तक जो परमिशंस दिए गए हैं वो 10 बजे तक का सेलिब्रेशन का नॉर्मल रहता है। उसके अलावा कुछ परमिशंस ACM साहब के वहाँ से दिए जा रहे हैं, उनमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार उन्हीं का अनुपालन है, वो इंश्योर किया जाएगा।